हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फी स्ट्रक्चर ऑफ उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। जब आप एडमिशन लेंगे उस समय आपका टोटल फी कितना चार्ज होगा वो हम देखने वाले हैं। इसमें आपका सबसे पहले आ जाता है, सिर्फ आपको एक ही बार पे करना पड़ेगा ये फी, जिसमें रजिस्ट्रेशन फी, रिकॉग्निशन फी, आइडेंटिटी कार्ड फी, लाइब्रेरी कॉजन मनी, लेबोरेटरी कॉजन मनी, कल्चर फी, फी स्पोर्ट फी, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट फी, कॉन्सोलिडेटेड सेमेस्टर ट्रांसक्रिप्ट फी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फी। ये सारा फी आप जब एडमिशन लेंगे उस समय आपको चार्ज की जाएगी। ये सिर्फ आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा। वो फी आप इधर देख रहे हैं। फाइनल में हम आपको बताएंगे टोटल फी कितना लगने वाला है इसमें वीडियो के लास्ट में। हम आगे देखने वाले हैं डेवलपमेंट फी कितना लगेगा आपसे। तो अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री या हॉर्टिकल्चर में आते हैं तो आपसे डेवलपमेंट फी में आपसे चार्ज की जाएगी 30,000 रुपया। वहीं आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आते हैं तो आपसे 24,000 रुपया चार्ज की जाएगी, प्लस उसमें आप इंटरनेट चार्ज वी एड कर देंगे 6,000 रुपया। फिर वहीं होम साइंस में अगर जो आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपसे डेवलपमेंट फी 4,000 रुपया प्लस कंप्यूटर लैब इंटरनेट फी आपसे 6,000 रुपया चार्ज की जाएगी। इसमें फिर ओरिएंटेशन फी भी चार्ज की जाएगी आपसे 200 रुपया। अब हम आते हैं सेमेस्टर वाइज फी आपसे कितना लिया जाएगा, यानी कि पर 6 महीने में आपसे यूनिवर्सिटी कितना चार्ज करेगी। अगर आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आते हैं तो आपसे चार्ज करी जाएगी 5,500। वहीं वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री में है तो आप 7,000 रुपया। और वहीं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री बीएफएससी में आते हैं तो 5,000। इसमें आप एग्जामिनेशन फी भी ऐड कर, पर 6 महीने में आपसे लगेगा। अब हम देखने वाले हैं हॉस्टल फी पर सेमेस्टर, यानी 6 महीने में कितना फी आपको हॉस्टल चार्ज का देना पड़ेगा। तो अगर आप सिंगल रूम लेते हैं, सिंगल बेड आपका रहेगा, तो उसमें आपको 1,000 रुपया पर 6 महीने में आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप दो लोग रहते हैं एक रूम में या दो बेड आपके रूम में लगा हुआ है तो आप 850 रुपये देंगे। वहीं आप तीन लोग रहते हैं तो 700 रुपया। वहीं आप फोर सीटेड रूम लेते हैं या उससे ज्यादा तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा पर 6 महीने में। अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फी आपको कितना देना पड़ेगा पर 6 महीने में, 1,200 रुपया। वाटर चार्ज आपको पर 6 महीने में आपको देना पड़ेगा 200 रुपया। हॉस्टल कॉजन मनी आपको 500 रुपया पेड करना पड़ेगा सिर्फ एक बार एडमिशन के टाइम में। मेस फी आपको यहाँ एडवांस देना पड़ेगा, ध्यान रखें आपको मेस फी यहाँ एडवांस जमा करना पड़ेगा 12,000 रुपया, यानी कि 6 महीने का मेस फी आपसे यूनिवर्सिटी आपसे एडवांस में चार्ज कर लेगी 12,000 रुपया। हम आगे देखने वाले एनुअल फी, यानी कि पर ईयर आपका अलग से फी क्या क्या लगेगा, उसमें सारा फी आपको पर ईयर आपको देना पड़ेगा, यानी कि हर एक साल आपको ये फी। अब हम देखने वाले हैं जब आप एडमिशन लेते हैं उड़ीसा यूनिवर्सिटी में वन टाइम आपको पे करना पड़ेगा 34,500 रुपया और पर ईयर आपको पे करना पड़ेगा 1,460 रुपया, ये आपको पर ईयर पे करना पड़ेगा। फिर आप सेमेस्टर वाइज फी देंगे आप उसमें 6,200 रुपया। हॉस्टल फी आपको पर सेमेस्टर पे करना पड़ेगा 1,000 रुपया, यानी कि 6 महीने का फी, वन सेमेस्टर में होता है 6 महीने। फिर हम मेस फी आपको एडवांस जमा करना पड़ेगा 12,000 रुपया 6 महीने का फी। इलेक्ट्रिक फी पर सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा 1,200 रुपया। वाटर चार्ज आपको पर सेमेस्टर देना पड़ेगा 200 रुपया। तो आप जब एडमिशन लेते हैं तो आपसे टोटल फी कितना ली जाएगी, टोटल चार्ज करी जाएगी 56,560 रुपया। 6 महीने का हॉस्टल फी है, मेस फी है 6 महीने का, इलेक्ट्रिक फी है 6 महीने का, वाटर चार्ज है 6 महीने का और 6 महीने का यूनिवर्सिटी फी है। तो सारे फी मिलाकर आपको 56,560 रुपया देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।